नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। रीवा में एसडीआरएफ प्लांटून कमांडर विकास पांडे द्वारा आपदा प्रबंधन बल की समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक में जवानों का उत्साहवर्धन कर भविष्य में ऐसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। रीवा में मुख्यालय के आदेशानुसार और जिला सेनानी डॉक्टर मधु राजेश तिवारी के निर्देशन में एसडीआरएफ प्लांटून कमांडर विकास कुमार पांडे के द्वारा रीवा के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर व क्विक रिस्पांस टीम के बाढ़ व अन्य आपदाओं में जीवन रक्षण का दायित्व निभाने वाले जवानों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें की पीसी विकास पांडे द्वारा मुख्यालय से प्राप्त महत्वपूर्ण एसओपी व निर्देशों से अवगत कराया गया। वहीं मानसून सत्र के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जवानों का उत्साहवर्धन कर भविष्य में भी ऐसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक में जिला रीवा एसडीआरएफ व होमगार्ड के जवान उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। लगातार जवाबदारी से सफलता पूर्वक संपादित किया जा सके, पहला है रबर बोट ओबीएम का भंडारण प्रभार और दायित्व। ठीक है, प्रत्येक बोट ओबीएम प्रधान आरक्षक या आरक्षक के नाम पर आवंटित की जाएगी। जो रबर बोट रखी है वो आप लोगों में से किसी के नाम पर आवंटित की जाएगी। ठीक है, जिसे भी आवंटित की गई है, जिसे ये रबर बोट और ओबीएम आवंटित की गई है, बोट के रखरखाव की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की, सारी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति।